जो सुमरत सिज होए गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन मानस मैं हो जीवन मेरा रहूं सदा मानस की गोद पाऊं मैं सर्वत्र सर्वदा श्री राम चरित मानस से मोद जिन पावन चरणों से निकली मंदाकिनी भागीरथी नाम तिन पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम तिन पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम सब सुखियन की खानी सुनो सिया राम के कहानी सब सुखियन की खानी सुनो सिया राम के कहानी राम के कहानी राजा राम के कहानी राम के कहानी राजा राम के कहानी ऋषि मुनि के बानी सुनो सिया राम के कहानी ऋषि मुनि के बानी सुनो सिया राम के कहानी किनारे अवध नगरिया सरज किनारे अवध नगरिया अवध नगरिया हो 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 अवध नगरिया एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम के कहानी एक राजा तीन रानी सुनो सिया राम के कहानी पाठ धर्म के नगरी पूजा पाठ धर्म के नगरी पूजा पाठ धर्म के नगरी पूजा पाठ धर्म के नगरी बसे जहाँ बड़ा ज्ञानी सुनो सिया राम के कहानी बसे जहाँ बड़ा ज्ञानी सुनो सिया राम के कहानी सब सुखियन की खानी सुनो सिया राम के कहानी
सगर के निर्मल वंशज, राजा सगर के निर्मल वंशज, राजा सगर के निर्मल वंशज, राजा सगर के निर्मल वंशज। हरिश्चंद्र जस दानी सुनो सिया राम के कहानी, हरिश्चंद्र जस दानी सुनो सिया राम के कहानी, राम के कहानी राजा राम के कहानी, राम के कहानी राजा राम के कहानी। ऋषि मुनि के बानी सुनो सिया राम के कहानी, ऋषि मुनि के बानी सुनो सिया राम के कहानी, सुनो सिया राम के कहानी, सुनो सिया राम के कहानी, सुनो सिया राम के कहानी। सियावर राम चंद्र शंकर हरिओ। राम कथा अनुरागी सज्जनों, आज राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर के यात्रा करत है, जनकपुर में पधारे है। राजा जनक बड़ा आदर सम्मान करीस और सुंदर सुखदायक भवन में निवास करवाए है। राम लखन दोनों भाई आज गुरुदेव के सेवा बजावत है, चेला धर्म ल निभावत है, गुरु के चरण में दोनों भाई पड़े हवे। पर आजकल देखो, आजकल तो सेवा बजाना दुरिहा के बात है, उल्टा गुरु के अपमान करते लोगन मन। अरे जेकर करा गुरु है ओकरे जिंदगी तो शुरू है, आ जेकर करा गुरु नहीं है तेकर जिंदगी शुरू नहीं है, बल्कि ओकर जिंदगी धुरु पर गए हवे। गुरु है तो मार्ग दिखाने वाला होते, भटके हुए जीवन ला सही दिशा में लाने वाला होते। पर आजकल गुरु शिष्य के परंपरा बिगड़ गए भैया, अंधरा गुरु के भैरा चेला और तेकर सेती बंधाए है ठेला। आज गुरु अंधा है, शिष्य के कमजोरी ला देखे नहीं और चेला घलो भैरा है, गुरु के उपदेश ला माने नहीं। एक झन गुरु है तौन शाम के समय अपन कुटिया में बैठे रहा है, टिपिक टिपिक पानी गिरे लागिस तो चेला ल कही थे बेटा गैया बाहिर में बंधा है रे, बिचारी पानी में भीग जाही, ओकर बंधन ल छोड़ के भीतर मल्ले आनते। चेला है तुन कही थे गुरुदेव बंधन ले छुड़ाए के समर्थ मोर में कहाँ है महाराज, मैं खुदे माया मोह के बंधन में बंधाए हाँ, मैं अज्ञानी हाँ मूर्ख हाँ, बंधन तो आप जैसे समर्थ पुरुष ही छोड़ा सकते, तो आप ही जाओ और गैया के बंधन ला छोड़ दो महाराज। गुरुदेव समझ गए वाह बेटा, मोला चेला नहीं मिले तें गुरुच मिले हस, क्या करे गुरु बिचारा जाके गैया के बंधन ला छोरीस आ छोड़ के ओला भीतर मलानीस। थोड़ किन के बाद गुरु के मन निमाढ़ी तो कहते बेटा जा तो बाहर निकल के देख पानी गिरा थी कि बंद हो गए। चेला है तो उनके थे गुरुदेव बाहर निकले का जरूरत है, यदि बिलई है भिचे से बाहर ले एला छू के देख ले, भिजे हो ही तब पानी गिरा थे और कोनो सूखा हो ही बिलई है तो पानी बंद हो गए है। गुरुदेव मन में सोचते वाह रे बेटा वाह, आठ हाथ खीरा के नौ हाथ बीजा हो गए सरे। रात के विश्राम के समय गुरुदेव कहते कि बेटा ये दिया के प्रकाश मोर आँखी में पड़ा थे, अंजोर में नींद नहीं पड़े रे, ये दिया ला बुझा दे। चेला है तन के थे महाराज दिया ला बुझा का जरूरत है, आँखी ल मूंद ले तहन कुछ दिखबे नहीं करे। गुरुदेव है तन के थे कि बेटा दिन भर आज प्रवचन बोले हाँ, बड़ा थकान लगत है मोला रे, थोकिन सेवा बजा देते हाथ पाँव ल दबा देते। चेला है तन के थे महाराज दिन भर आप प्रवचन बोले हो कथा कहे है तो हाथ गोड़ थोड़े पिरावत हो ही, आपके गला पिरावत हो ही, तो चलो मैं आपके गला ल दबा देता हूँ। ऐसे गुरु ल कष्ट देने वाला चेला है, गुरु के सेवा करने वाला बहुते कम है, पर राम लखन दोनों भाई गुरु के सेवा में लगे हैं। भैया लक्ष्मण के मन में एक लालसा आ गई, जनकपुर ल बड़ सुघर है कही थे,
ये जनकपुर ल घूम लेते हैं, देख लेते हैं। लक्ष्मण मन लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी। लालसा मन में है लक्ष्मण के, क्या बर ये जनक जी के देश है, जहाँ राम के साथ में शेष है और शेष के मन में लालसा विशेष है। लेकिन मन के बातला के ही नहीं पावते, पर भगवान राम लक्ष्मण के मन के बातला जान डरी। काबर वो तो सर्व अंतर्यामी है ना, सबके हृदय के सबके मन के बातला जान लेते। तो लक्ष्मण के भाव ल समझ के गुरुदेव ल दोनों हाथ जोड़ के बोले लगी इसकी, गुरुदेव लक्ष्मण जनकपुर जाना चाहते। गुरुदेव कहते बेटा, जब लक्ष्मण जनकपुर जाना चाहते तो काबर नहीं कहा थे, कले चुपकार है, बोलना चाहिए ना वाला। तो भगवान राम कहते महाराज, लक्ष्मण हाँ तोला ल जावत है, मोला डर्रावत है, तेकर सेती कही नहीं पावत है। तो मैं लक्ष्मण ल जनकपुर घुमा के ले अनोका, आपके आज्ञा होतीस। तो गुरुदेव कहते बेटा राम, के बार ले आ चुके हैं जनकपुर? राम कहते पहली बार आए हैं महाराज। अरे तो पहली बार आए हैं, खुदे देखे नहीं हस, घूमे नहीं, अब तो काला देखावे घुमावे भैया। लक्ष्मण हाँ जाना चाहते तो जान दे, जनकपुर के लोग लैका मन देखा ही घुमा ही, तय मोर सेवा में रहेरा। तो भगवान राम कहते नहीं महाराज, लक्ष्मण लैका है, जनकपुर के गली खोर में जाके भुला मत जाए, भटक मत जाए, तो एकर संगमा मोला जाना जरूरी है महाराज। जनकपुर लैला देखा हूँ घुमा हूँ, तेकर बाद एला वापस लौटा के ले आऊँ, चल भाई गुरु के सेवा के समय हो गए कही के। राम के बात ल सुन के विश्वामित्र कहे लागे इसकी, बेटा राम अरे लक्ष्मण ल जब घुमावे तब घुमावे, पहली तो मोला घुमावा थस ना। ये जनकपुर जाए की इच्छा तोर है, कबर जानकी देवी भक्ति देवी शांति देवी तोला बुलावत है, तोला शांति देवी से मिलना है ना। अब बहाना करत हस लक्ष्मण के, तो ले जाओ भाई दोनों के दोनों जाओ, लेकिन एक काम करिह, केवल देख भर के मत आहू, देखा के घलवा जाई। देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहू सुफल सबके नयन सुंदर वदन देखाई। बेटा तय देखे भर की आज्ञा मांगत हस, तो मैं देखे और देखाए के दोनों के आज्ञा देवत हूँ। जनकपुर ल घूम के बढ़िया देख लिया, और जनकपुर के नर नारीला अपन ये सुंदर बदन ल देखा के धन्य कर दी। काबर ये जनकपुर में सुनैना है ना, जब ले बिचारी सुनैना विवाह होके आ है, तब ले ओकर मन हाँ उदास है, काबर सुंदर चीज देखे चल नहीं मिले वाला। तो आज तुम्हार रूप ल देख करके वो धन्य हो जाई बेटा, जाओ ए दिव्या गुरु के आज्ञा हो गए। गुरुदेव के चरण में प्रणाम करके राम लक्ष्मण दोनों भाई अब तो जनकपुर के यात्रा पर निकल गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अवध गा रघुनंदन गली गली, अवध गा रघुनंदन गली गली, अवध जी रघुनंदन गली गली, अवध रघुनंदन गली गली। मंगल सगुन जनावत गा, मंगल सगुन जनावत गा रघुनंदन गली गली, अवध गा रघुनंदन गली गली, अवध रघुनंदन गली गली। गली गली माभ तोरन पताका, गली गली माभ तोरन पताका, तोरन पताका भ तोरन पताका, तोरन पताका भ तोरन पताका। राजा जनक सजवावत गा, राजा जनक सजवावत गा रघुनंदन गली गली, अवध गा रघुनंदन गली गली, अवध हो रघुनंदन गली गली।
माता सुनै नाया आरती सजावे, माता सुनै नाया आरती सजावे, आरती सजावे हो आरती सजावे, आरती सजावे हो आरती सजावे। आनंद मंगल गावत गा, आनंद मंगल गावत गा, रघुनंदन गली गली आवत गा, रघुनंदन गली गली आवत जी, रघुनंदन गली गली। अतर गुलाल की कीच मचे, अतर गुलाल की कीच मचे, कीच मचे है हो कीच मचे, कीच मचे है हो कीच मचे। जग जग चौक पूरा वाथ गा, जग जग चौक पूरा वाथ गा, रघुनंदन गली गली आवत गा, रघुनंदन गली गली आवत जी, रघुनंदन गली गली। मंगल सगुन जनावत गा, मंगल सगुन जनावत गो, रघुनंदन गली गली आवत गा, रघुनंदन गली गली आवत जी, रघुनंदन गली गली आवत रे, रघुनंदन गली गली आवत गा, रघुनंदन गली गली आवत हो, रघुनंदन गली गली आवत हो, रघुनंदन गली गली। सियावर राम चंद्र शंकर हरियो, रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, अंग अंग परवार यही शोभा सकल सुदेश। सिया राम जी के भजन करो, ध्यान चरणों में उनके धरो, सिया राम जी के भजन करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। ए देविया, राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरुदेव के चरण में सिर झुका के जैसे ही जनकपुर मगेश, जनकपुर के नर नारी मन तो देखते ही रह गए। कावर दोनों भाई के जो सुंदरता है करोड़ों कामदेव के छबीला लज्जित करने वाला है। भगवान राम नख से लेकर के सिर तक सुंदर है, और आज हमर जीवन में नख से लेकर के सिर तक विकार ही विकार भरे हैं। कावर हम अने तन के गलत उपयोग करथन ना, भगवान है तो नेला बहुत सुंदर बनाई बनाए बर। का गुणगाम तोर विधाता तय मालिक संसार के, मानो तल्ला सुंदर बनाए बढ़िया सोच विचार के। लेकिन जत के सोच विचार के भगवान मानो तल्ला बनाईस, उतके आज मनखे अपन बुद्धि ल गंदा कर डरिस, अपन विचार ल मैला कुचैला कर डरिस। माथ बनाए बड़े के चरण में नवाए बर, ये नहीं कि लल मुहा टिटका का सद्धर ले हलाए बर, आँखी बनाए सुंदर देवी देवता के दर्शन कराए बर, ये नहीं कि तोला देख लूँ कही के लाल आँखी दिखाए बर, अरे कान बनाए सही बात ल सुन के हृदय में बसाए बर, ये नहीं कि एक कान ले सुन के एक कान डहर बोहाए बर, पाँव बनाए बढ़िया मंदिर देवाला जाए बर, ये नहीं कि कोनो दीन दुखी लात में लतियाए बर, मुँह बनाए दया धर्म के गोठ ल गोठियाए बर, ये नहीं कि दार भात ल सान सान के खाए बर। तो ये तन के महत्व तो तब है जब हम एकर सही उपयोग करबो। कोनो कोनो आदमी मन तो भगवानों दोष लगा थे, कहाँ बना है भगवान है दुनिया ला बड़ा बेकार बना है। एक आदमी कागज और पेन धर के भगवान के गलती खोजे बन निकले रहा है, कते कते ल गलत बना है भगवान। रेंगत रेंगत नदिया मगीस, बड़े बड़े कलिंदर के फर ल देखी तो कर दिमाग खराब हो गए। ये देखे भगवान के गलती ल, नार है निचट पातर और फर ल देख बड़े बड़े,
अरे जतका पातर नार है वैसने छोटे छोटे मा फल लगाना रही से बिना फभीत के बना दे है। एक गलती लिख डरिस भगवान के औ खोजत खोजत जात है। नदिया ल पार करी सामा के बगीचा मगीस विचार करी थोड़ी का आराम कर ले लो तब औ काला गलती बना है भगवान तिल खोजी हम तो आमा के छैया माँ लेटे रहा है। अचानक आमा के पेड़ ल देखी सब फर ल देखी तो फिर ओकर दिमाग खराब हो गए। देखे भगवान की दूसरिया गलती पेड़ है अतेक मोटा और फर ल देख एकदम छोटा छोटा। अरे भाई जिसने बड़ जब्बर पेड़ है तो इसने बड़े वाला फर लगाना रिसे माँ। नदिया वाले कलिंदर के फर है यहाँ फभे रतीस अब ये छोटे छोटे आमा के फर है नदिया के नार में लगे रहती तब फभे रतीस। यहुल गलत बना है दो ठन गलती लिख डारिस विचार करी थोड़ी का आराम कर ले लो तब खोजी हाँ। आमा पेड़ के छैया माँ ढलगे रहा भैया फुरहुर फुरहुर हवा चलत रहा है। एक ठन गेदराहा आसा नामा है दनाक लेकर नाकेच में गिर गए और जैसे ही नाक में गिरी तो भई तो गे अकबका गे नाक डहल लहू रकत बोहा गे वो मनखे है तौन बेहोश हो गए। और अड़बड़ बेरा में जब होश है ना तो दू ठन गलती लिखे रही तेल चीर के पहली फेंकी। हे भगवान तोर कहीं बनाए हैं गलती नहीं है महाराज मोरे दिमाग खराब हो गिरी ए नान कुन गोटा सन आमा है तो आज मोर पोटल हिला दिस आ यही में कोनो नदिया वाले कलिंदर है फरे रहती ता तो मोर पोटच पानी छरिया जतीस। तो तोर बनाए सबो चीज बढ़िया है महाराज मोरे विचार है बिगड़ गिरी से। सच में भैया भगवान के बनाए ना धरती बदले है ना आसमान बदले है ना सूर्य चंद्रमा पवन पाताल है बदले है और न इंसान हम बदले है। बदले है तो आज आदमी के ईमान हम बदले हैं। आदमी के ईमान सही हो जाए तो आज भी सतयुग है। मनखे की दृष्टि अगर सुधर जाए तो आज भी सृष्टि सुधरे सुधरा है। आओ तो देखा प्रेम के नगरिया जनकपुर में दोनों भाई अब चले लागिन जी। गोस्वामी जी लिखते प्रेम नगरिया में राम जी चले राम जी चले प्रेम नगरिया में राम जी चले दर्शन खातिर नर नारी निकले दर्शन खातिर नर नारी निकले प्रेम नगरिया में राम जी चले प्रेम नगरिया में राम जी चले राम हवे श्याम भैया लखन हवे गोरिया राम हवे श्याम भैया लखन हवे गोरिया हंसी चिठोली करे लागिन जनकपुर के छोरिया हंसी चिठोली करे लागिन जनकपुर के छोरिया एक आकाश मा हो एक आकाश मा हो एक आकाश मा एक आकाश में दुई चंद निकल गे प्रेम नगरिया माँ राम जी चले प्रेम नगरिया माँ राम जी चले संगियों जहुरिया संग संग रेंगे लागिन संगियों जहुरिया महल देख बड़े घर के रे बहुरिया महल देख बड़े घर के रे बहुरिया जनकपुरी के भाई भाग बदल गे जनकपुरी के भाई भाग बदल गे प्रेम नगरिया माँ राम जी चले
प्रेम नगरिया मा राम जी चले, राम जी चले। देखै पनिहारिन गलियों खोरमा देखै बनिहारिन पनघटमा राजा देखै पनिहारिन पनघटमा राजा देखै पनिहारिन गलियों खोरमा देखै बनिहारिन गलियों खोरमा देखै बनिहारिन पनघटमा राजा देखै पनिहारिन पनघटमा राजा देखै पनिहारिन एक आकाशमा दुई चंद निकल गे एक आकाशमा दुई चंद निकल गे प्रेम नगरिया मा राम जी चले 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि देखन नगर भूप सुत आए रामा होशिया रामा समाचार पुरवासिन पाए समाचार पुरवासिन पाए रामा होशिया रामा समाचार पुरवासिन पाए रामा होशिया रामा धाए धाम काम सब त्यागी रामा होशिया रामा मनहुरंक निधि लूटन लागी मनहुरंक निधि लूटन लागी रामा होशिया रामा मनहुरंक निधि लूटन लागी रामा होशिया रामा बोल राज राम चंद्र की जय। जनकपुर के नर नारी मन समाचार पाइन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ बेटा राम और लक्ष्मण दोनों हमार जनकपुर ल घूमे ला आ है देखे ला आ है भाई तो गे भैया काम धाम सब ल छोड़ के राम ल देखे खातिर बड़ दौड़े लागे लैका बूढ़वा जवान सब भगवान के दर्शन पाए खातिर बर अब तो भागत है घर द्वार ल छोड़ करके आओ सजनों जब तक नहीं त्यागे तब तक ईश्वर मिलने वाला नहीं है भगवान लगर पाना है तो काम धाम के त्याग करना पड़ी अरे जिन जिन मन त्यागिन तवने मन तो भगवान ल पैन जी सूर कबीर तुलसी मीरा नाना क्रैदास सबरी मीरा ये मन हाँ दुनिया के सुख ल काम धाम ल सब ल छोड़ के दौड़िन तब भगवान ल पैन कबीर साहब घलो एक बार भरे बाजार में बरत लूठी धर के खड़े रहा है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूठी हाथ जो घर जा रहे अपना तो चले हमारो साथ कबीरदास तयन चलत रहे चेला मन है तवन कर पाछू पाछी आई कबीरदास कथे बेटा हो कहाँ जात हो रे चेला मन कथे गुरुदेव जहाँ तय जात हस वहीं हम मन जात हैं तो कबीरदास कथे एक काम करो ये पहली लूठील धरो अपन अपन घर में आगी लगा के आओ चेला मन है तन लुठी ल धर के अपन अपन घर में आगी लगाए बर दौड़ी कबीरदास कथे कि बेटा कौन से घर में आगी लगाऊ ये माटी पत्थरा के बने घर में नहीं बल्कि कामना के घर में आगी लगाओ तुम्हारे हृदय में कामना वासना अगर हो ही तो ओला पहले जलाओ तब फिर मोर पीछे आओ ईश्वर ल पाए बर की तो जब तक हमार अंतस में कामना है जब तक हमार हृदय में काम क्रोध लोभ मोह विकार है तब तक राम मिलने वाला नहीं है राम लगर पाना है तो ये सब ल त्यागना पड़ी भैया जनकपुर के नर नारी मन जैन हालत में है तौने हालत में भगवान ल देखे बर दौड़े लागिन जनकपुर के
गली खोर में आज मनमाने भीड़ लग गए भैया, मेला लग गए हवे। कैसे घाला लागे जनकपुर में मेला, देखेला मोर मनवा करेला, देखेला मोर मनवा करेला, देखेला मोर मनवा करेला। लागे जनकपुर में मेला, देखेला मोर मनवा करेला। पूरब दिशा से जोगी बाबा आवे, जोगी बाबा आवे। पूरब दिशा से जोगी बाबा आवे, जोगी बाबा आवे। संग मलावे दुई चेला, देखेला मोर मनवा करेला। लागे जनकपुर में मेला, देखेला मोर मनवा करेला। एक ही श्यामा एक गोरा बदनवा, गोरा बदनवा। एक ही श्यामा एक गोरा बदनवा, हो गोरा बदनवा। बाल गजब घुंघरेला, देखेला मोर मनवा करेला। लागे जनकपुर में मेला, देखेला मोर मनवा करेला। जनकपुर के लैका मन राम लक्ष्मण दोनों भाई के हाथ ल धर के जनकपुर के पूरा यात्रा करावा थे भैया, और बतावा थे कि हे राम जी, ये दे हमार गांव के चौपाले, ये दे हमार गांव के बैठक है, ये हमार गांव के तरिया है, ये दे हमार गांव के बगिया है, ये दे हमार गांव के मंदिर देवाला, ये दे जनकपुर के धर्मशाला। सब ला लोग लैका मन घुमा घुमा के देखावा थे। आवाज दुनिया के मालिक है, छोटे छोटे बालक मन के संग में बालक बन गए हवय, और बालक मन के दृष्टि से जनकपुर के दृश्य ल देखा थे। जैन परमात्मा बिना आँखी के पूरा संसार ल देखा थे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जैन भगवान बिन पाँव के चलते, बिन कान के सुनते, बिना आँखी के सब ल देख लेते, बिना रसना के सबो रस ल ले लेते, वो परमात्मा आज नान्हे नान्हे लैका मन के प्रेम के वश में हो गए और जनकपुर में घूमत थे भैया। वास्तव में राम के सावरा सलोना जो मूर्ति है, सबके मल्ला मोह डारे है जी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सौर सलोना तुर रूप है मतौना, तुर रूप है मतौना। दुनिया भर ला ते मोह डारे, दुनिया भर ला ते मोह डारे। सौर सलोना सौर सलोना तुर रूप है मतौना, तुर रूप है मतौना। दुनिया भर ला ते मोह डारे, दुनिया भर ला ते मोह डारे। रज दशरथ के राज दुलारा, कौशल्या महतारी। रज दशरथ के राज दुलारा, कौशल्या महतारी। जनक सुता जग जननी जाने की, जन्म जन्म के सुवारी। जनक सुता जग जननी जाने की, जन्म जन्म के सुवारी। हर है जन्म जन्म के सुवारी। ए सरी दुनिया ए सरी दुनिया तुर खेलियो खिलौना, तुर खेलियो खिलौना। दुनिया भर ला ते मोह डारे, दुनिया भर ला ते मोह डारे। सौर सलोना आ, 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 आ।
तोरा सलोना तोर रूप है मतौना तोर रूप है मतौना दुनिया भरला तै मोह डारे दुनिया भरला तै मोह डारे सुंदर तोर सुरतिया जौने देखे तौन मोहागे सुंदर तोर सुरतिया काम देवियो रतिल जागे राम तोर मुरतिया काम देवियो रतिल जागे राम तोर मुरतिया हर है राम तोर मुरतिया नर नारी वर नर नारी वर तोर नाम हीरा सोना तोर नाम हीरा सोना दुनिया भरला तै मोह डारे दुनिया भरला तै मोह डारे सौर सलोना सौर सलोना तुर रूप है मतौना तुर रूप है मतौना दुनिया भरला तै मोह डारे दुनिया भरला तै मोह डारे तारा रे मोर चंदा रे मोर तारा रे मोर चंदा रे सबके दुलारा तै बन जा रे प्राणाधारा तै बन जा रे मोर तारा रे मोर चंदा रे तही मोर जमुना तही गंगा रे तही मोर जमुना तही गंगा रे मोर तारा रे मोर चंदा रे मोर तारा रे मोर चंदा रे सबके दुलारा तै बन जा रे प्राणाधारा तै बन जा रे जगल नियारा तै बन जा रे सबके प्यारा तै बन जा रे लखन सिया राम चंद्र की जय जुबती भवन झरो खन लागी निरखहि राम रूप अनुरागी जुबती भवन झरो खन लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। आज तो जनकपुर के नर नारी मल्ला ऐसे हो गए जन्म न जन्म के दरिद्र है खजाना पागे का अंधरा ल जैसे अचानक दूठन आँखी मिल जाए भूखा व्यक्ति ल पेट भर भोजन मिल जाए घाम में थके हारे व्यक्ति ल छायादार आरामदायक जगह मिल जाए तो कर खुशी ल का कहबे। जनकपुर त्यागी बैरागी मन के नगर है रात दिन ध्यान में लगे रहा है और जेकर ध्यान में लगे रहा है तेन भगवान आजुकर सन्मुख हो गए हावे। विदेहराज जनक जी देह भाव से ऊपर उठ चुके हावे और जैसे राजा है वैसने होकर प्रजा मन घलो हावे। एक कहानी है कि त्याग के बिना तपस्या के बिना समस्या दूर होने वाला नहीं है। तो महाराज जनक जी के जीवन में त्याग और तपस्या कुट कुट के भरे है तेकर कारण आज समस्या दूर हो गए।
जगत के नारायण ला जगत के स्वामी ला पागे, जीवन के लक्ष्य ला जीवन के उद्देश्य ला पागे भैया। नाऊ ठाकुर है राजा के दाढ़ी में छा बनावत रहा, पानी में फिजो फिजो के अपन छुरा में खुरूर खुरूर रोखत रहा। राजा के थे ठाकुर, लेन जी एकाठन कहानी किस्सा सुना दे भैया। ठाकुर के थे नहीं आए महाराज मोला, मैं नाऊ के जाता हूँ, छुरा कैंची ही मोर काम है, तुमन तो राजा महाराजा हो, शास्त्र के बाद संत महात्मा मन के बाद तुमल्ला मालूम है, तो तू ही मने काठन कथा सुना दो। राजा कथे भैया ठाकुर, मैं तो राजकाज के मारे व्यस्त रहता, कहानी किस्सा मोला नहीं आ रे भैया, तय जाना थोबे ते काठन कहानी सुना दे जी। तो ठाकुर कथे महाराज एक ठक कहानी जाना था तेला, मैं तो लो सुनावा था। तो नाऊ है तो राजा के दाढ़ी में चल बनात रहा, अब बढ़िया वाला कहानी सुनात रहा। एक शहर में राजा एक झन रानी रहिसे, और वो रानी के दासी रहिसे। दासी बिचारी रात दिन रानी के सेवा में लगे रहा। रानी सूत के उठे तो वाला नहाए खुराए, नहा खुरा के बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करे, वाला गहना में सजावे, तेकर बाद वाला फुलवारी घुमाए ले जावे, फुलियारी में घुमावे, झूला झूलावे, मेला मड़ाई घुमावे, यानी रात दिन रानी के सेवा में वो दासी है तन लगे रहा। और जब रात होए ना तो दासी है तन रानी के सेज ल बिछाए, पलंग ल बिछाए, रानी चैन की नींद सो जाए। एक दिन के घटना है, दासी है तन शाम के समय रानी के सेज ल बिछावत रहा, पलंग में गदिया, गदिया में मखमल के चादर, और मखमल के चादर में कोमल कोमल फूल के पंखुड़ी ल झड़ावत रहा। मन में विचार करत रहा, देखा तो ये रानी कतिक किस्मत वाली है, रात दिन फूले फूल के सेज में सोवत है, बहुते आराम मिलत हो ही, बहुते सुख मिलत हो ही, लेकिन मैं तो गरीबी न ना, मोर किस्मत में इसना पलंग सुपेती कहाँ है, मोर किस्मत में तो खुर्रा खटिया है, ओहू टूटा वचवान के रात भर अलथी कलथी लेवत रही था, नींद तो कोसो दूर रही थे बैरी है। पर ये रानी बड़ा तकदीर वाली बिचारी है, फूले फूल के सेज में सोवत है, और बड़ा आनंद मिलत हो ही, बहुते मजा आवत हो ही। रहा तो अभी असन रानी नहीं है, कतेक सुख लागते, कनी महू सो के देखा एकर पलंग में, दासी है तो रानी के पलंग में सो गए, दिन भर के थके हारे रहा, आरामदायक बिस्तर पैत तपोट ले नींद हपर गे। और जैसे दासी के नींद परी, सुत के बेरा रानी है तो ना गे, अपन बिस्तर में दासी ल सोए देखी तो गुस्सा में आग बबुला हो गे, निकालिस कोड़ा, असमरे मारिस असमरे मारिस, दुष्टिन चंडालिन दो कौड़ी के नौकरानी, और रानी के सेज में सोए के तोर हिम्मत कैसे होइस। दासी है तो हड़बड़ा के उठिस, और रानी ल देख करके कांप गे, घबरा गे, दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगे लागिस, रानी जी मोला क्षमा कर दे, मोर से गलती हो गए, अपराध हो गए, लेकिन क्षमा होते नहीं है, कोड़ा बरसते है, दासी लग गारी देते है रानी हा, और कोड़ा बरसाते है। दासी चिल्ला चिल्ला के रोए थे, रोते रोते अचानक दासी ल जोर से हंसी आ गया, खलखला के हंस डरी से। रानी कथे कसरे दुखाही, मनमाने चौर बरोबर तोला छरा था, रोवत रहे थे, अब हंस कैसे डारे। दासी कहते महारानी जी मोला तोर दशा ल सोच के हंसी आ गई। रानी कथे मोर काय दशा सोच डारे। दासी कहते यही कि आज एक कनी तोर पलंग में सोए तेमा तो अतका मार पड़त है, अतका कोड़ा बरसत है, और तैं तो रात दिन ये पलंग में सोत हस, पता नहीं आगू चल के तोला कतका कोड़ा बरसी, तोर ऊपर कतका कोड़ा बरसी आगू चल के, यही बात ल सोच के मोला हंसी आ गई। रानी दासी के बात में सच्चाई है भैया, दासी के बात हरानी ल लग गए, मन में सोचे लागी से भगवान जोग साधना वर ये जीवन मिले है, तिल विषय वासना में मैं शान के नष्ट करा था, बस दासी के मन है तन अब महल के, रानी के मन है तन महल के, ऐसो आराम से अब उब गए भैया, संसार के प्रति ओकर मन में घृणा उत्पन्न हो गए, अब बस महल के सुख ल छोड़ के रानी जंगल के रद्दा धरलीस, तपस्या साधना करीस, और अंत में जीवन के लक्ष्य ला ईश्वर ल प्राप्त करलीस। ये कहानी ला नाऊ ठाकुर है राजा ल सुनावत रहा,
कहानी चला सुन के राजा लग हलो वैराग्य हो गए, संसार से ओकरो मोह ममता खत्म हो गए। आधा दाढ़ी में छब बने रहा, आधा बाँचे रहा। ठाकुर लग थे भैगे जी तो छुरा कैंची रहन दे भैया। बस उठीस महल डहर लहूट के नहीं देखिस राजा, जंगल के रास्ता धरलीस और अंत में तपस्या साधना करके ईश्वर ल प्राप्त कर लीस। सजनों जेकर जीवन में त्याग है तपस्या है वही परमात्मा ल पाथे, और जनकपुर के नर नारी मन तो पूरा त्यागी और तपस्वी है। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, सब ज्ञानी सब ही गुणवंता। जहाँ सब ज्ञानी है सब गुणवान है तिहाँ भगवान का बनिया है। आज देखो पनिहारिन मन पनघट ले देखत है, बनिहारिन मन गली खोर ले देखत है, अमरैया ले कोयली मन है तन देखत है, गौशाला में गैया बछरू है तन भगवान के रूप ला देखत है। जौने देखिन तौने राम के रूप में डूब गए। अरे यही रूप में तो सूर कबीर तुलसी मीरा मन घलो मुहा गए, अब मगन होके नाचे लागिन। तुलसीदास जी कहते घला छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। करताल बाजेगा बही सही नाचेगा पीके हरि नाम के मंदिरा। करताल बाजेगा बही सही नाचेगा पीके हरि नाम के मंदिरा। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। भक्ति के भंग मा मीरा बाई माते गे ती के भक्ति के भंग मा, ती के भक्ति के भंग मा, ती के भक्ति के भंग मा। मन मा मगन हो गे साचा लगन हो गे, टूट गे जगत के जंजीरा। मन मा मगन हो गे साचा लगन हो गे, टूट गे जगत के जंजीरा। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। साचा लगन हो गे पाग हरि नाम के हीरा। मन मा मगन हो गे साचा लगन हो गे पाग हरि नाम के हीरा। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। छम छम नाचे रे मीरा, झुम झुम के गावे कबीरा। हरि भजन लाते गाले बेगा चोल तर जागी भैया जय सिया राम। काया तर जागी भैया जय सिया राम।
मानस गंगा मन वाले बिगा चल तर जाहि भैया जय सियाराम आय तर जाहि भैया जय सियाराम गल गल हरि नाम गल गल सियाराम वेतन के नहीं ठिकाना गल गल हरि नाम गल गल सियाराम वेतन के नहीं ठिकाना वेतन के नहीं ठिकाना जीवन के नहीं ठिकाना वेतन के नहीं ठिकाना जीवन के नहीं ठिकाना हो गल गल हरि नाम गल गल सियाराम वेतन के नहीं ठिकाना गल गल हरि नाम गल गल सियाराम वेतन के नहीं ठिकाना हरि भजन लाता गले बिजी चल तर जाहि भैया गाय तर जाहि भैया चल तर जाहि भैया तर जाहि भैया जय सियाराम सियावर राम चंद्र की जय।